भाई पूरा सुनसान पड़ा है फोर्ट भाई। क्या जबरदस्त व्यू है यार, मजे आ गए भाई। गाइस वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। भाई प्लान बन रहा था हमारा भेड़ाघाट जाने का, इसलिए हमारा एक भाई आया हुआ था तो हमने सोचा उसे घुमा देते हैं, बट मौसम ने दे दिया भाई धोखा, कहीं नहीं जा पा रहे, बारिश हो रही है और हवा चल रही है बहुत तेज। सो अब ट्राई कर रहे हैं कहीं और लोकल में ही थोड़ा बहुत घुमा दें उसे। सो अभी जा रहे हैं मदन महल फोर्ट, अब देखते हैं वहाँ भी जा पाते हैं कि नहीं। बारिश लग तो रही है, हो सकती है, बट 2 घंटे का सफिशियंट टाइम है अभी सनसेट तक। सो देखते हैं, अब चलते हैं वहीं दिखाएंगे अगर पहुंच गए तो गलती से। भाई मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, लेकिन बस यही दिक्कत है कि भेड़ाघाट नहीं जा पाएंगे ऐसे मौसम में, 3-4 दिन से ख़राब चल रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये गोरखपुर मार्केट है यहाँ जबलपुर का, यहाँ पे मतलब ब्रांड ब्रांड के सारे शोरूम है, तो अच्छा मार्केट है ये। नहीं भाई फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं मदन महल फोर्ट, तो बहुत बार आया हूँ भाई। ये बैलेंसिंग रॉक सागर क्या बोलता है इसको, बोलते 8-10 लौटने आएंगे मैं हॉस्टल से इसको धक्के दे के आ देंगे धक्के से नहीं हो भाई। ये पत्थर मस्त अटका हुआ है, बस गिरता ही नहीं है नीचे। बढ़िया मौसम भी बढ़िया हो रहा है यार, ये दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी बैलेंस करके रखा, नीचे ही नहीं करता भाई। आपका क्या रीज़न है? चलें फोर्ट चलें और क्या भाई। अब जा रहे हैं फोर्ट यहाँ से, ये सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट होती हैं, बस मैगी की भी हैं पॉइंट है, मैगी खा लो यहाँ पे आके। A few moments later. व्यू आ रहा है, अभी तक हम लोग ऊपर चढ़े भी नहीं हैं पूरे। सनसेट देखने में मस्त मजा आता है, लेकिन बारिश हो रही है इस वजह से सनसेट तो देखने नहीं वाला। अरे दिन ही खराब है आज, बारिश होने लगी। हम जा तो रहे, आ गए तो हमने कहा चाहते हैं भाई गीले होंगे तो होंगे भाई। बस फोर्ट वोट के नाम पे यही खंडर है, बाकी ये व्यू अच्छा दिखता है इसलिए मैंने इन्हें बताया भाई अभी कि फोर्ट सुन के ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा कोई महल है अंदर, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही है छोटा सा बस। ये अच्छा लगा तुम्हें? बढ़िया है भाई, एक्सपेक्टेशंस मीट हुई नहीं तो फिर बढ़िया है यार। अपने को तो भाई ये तो बंद हो गया होगा, अभी 5 बजे तक खुला रहता है, इसको ऊपर जाना है तो 5 बजे तक। बाकी अब सनसेट भी क्या ही देखेगा भाई, बादलों के कारण सन छुप गया है, बाकी ये हल्का हल्का उजाला दिख रहा है, तो पीछे चल के बैठ सकते हैं मतलब कि यहाँ मस्त सनसेट दिखता है यहाँ पे, मस्त पीछे जो बैक साइड का एरिया है ना, यहाँ पे पूरे माउंटेन्स हैं, यहाँ से मस्त दिखता है सनसेट, आज नहीं दिख पा रहा अनफॉर्चुनेटली भाई। मस्त व्यू आ रहा है यार, साइड से सिटी का लाइट आइट ऑन हो गई, कैमरे में नहीं आ पा रही हैं, हल्की हल्की दिख रही होंगी वो, रात में मस्त व्यू आता होगा भाई यहाँ से, कहते रात में आएंगे यार मस्त। लेकिन दिक्कत ये, मैंने सुना कि ये एरिया ख़राब है यहाँ पे, देखो किसी ने मतलब कि बोला था कि ऊपर रात रात में मत जाना। चलो वहाँ चलते हैं, पत्थर पे बैठेंगे चल के पीछे साइड। भाई ये है फोर्ट, एक वाला पत्थर ये है, दूसरे वाले पे उस पर चढ़ना बड़ा टफ होता है, तो दूसरे वाले पे चढ़ के आना, और ये बीच में से ये जो बना है ना हल्का सा पत्थर रखे इन केस अगर आप आ रहे हो। मस्त व्यू है यार भाई, इतने पीछे हर कोई नहीं आता है यहाँ पे चढ़ के। मस्त व्यू है, सनसेट का शानदार दिखता, सोचा तुम जरा सनसेट दिख रहा होता है यहाँ से, तो मैंने देखा भाई एक दिन बैठ के मस्त पूरा सनसेट। भाई मस्त व्यू दिख रहा है सिटी का साइड से और सनसेट तो नहीं, बट पूरा बैक साइड का मतलब जो सनसेट होता है ना उस साइड का व्यू यहाँ से ज़्यादा मस्त दिख रहा है, और पूरे फोर्ट में भाई कोई नहीं है अभी, थोड़ी सी फट रही बट इन द सेंस कि मतलब कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। सो क्योंकि इस जगह के थोड़े पॉजिटिव नोट्स नहीं मिले हैं हमें, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, बाकी बस मस्त मज़े आ रहे हैं यहाँ बैठ के, अभी व्यू देख रहे हैं, लाइट आइट ऑन हो गई ना पूरी सिटी की, तो मस्त व्यू आ रहा है सिटी का। कैमरे मत अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा ना फिर कैमरे में अच्छा आने लगेगा, तो दिखा दूंगा मैं अगर ज़्यादा देर और रुके। मोमेंट्स लेटर भाई मस्त निकल रहे हैं अब यहाँ से, ठीक ठाक व्यू था यार यहाँ का भी भाई, पूरा सुनसान पड़ा है फोर्ट,
पंक्ति से कभी अकेले हाँ मत जाना भाई, ग्रुप में थे भाई अपन तीन चार थे भाई। मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से भी सिटी का भाई, क्या जबरदस्त व्यू है यार, मजे आ गए भाई। अबे आना भाई, इजी है, नहीं है दिक्कत, नहीं चढ़, आराम से चढ़ जाएगा तू भाई, जबरदस्त व्यू है यार। जबलपुर के हिसाब से बहुत अच्छा था भाई, ग्वालियर ग्वालियर फोर्ट का इनका तो बहुत तगड़ा व्यू आता है। तगड़ा व्यू यार, सही मजे आ गए मेरे को तो। रात वाला व्यू मैंने अभी तक नहीं देखा था, हमेशा दिन में ही आया हूँ मैं। और भाई ऊपर तो बहुत अंधेरा था, लेकिन थोड़ा नीचे उतर के आया ना, यार लाइट वाइट वगैरह लगी तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। 7:30 हो रहे हैं अभी, नीचे आके लाइट वाइट दिख रही है, बाकी एक ओपन तो रहता है, जा सकते हो आप 7-8-9 बजे तक, बट ज़्यादा लेट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ग्रुप में हो तो फिर कहीं भी जा सकते हो आप, बट अकेले तो ऑब्वियसली नहीं आओगे। तो वॉक करके ऊपर से नीचे आ गए थे, तो ये मेन रोड से यहाँ से ऑटो मिल गया था। मैं कल बताया था, लास्ट बार बताया होगा मैंने, गौरी घाट वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी पर पैसेंजर हमने 20 रुपये लिए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. तो गाइस मैं ये बता रहा था, देखो एक्चुअली क्या होता है सस्ते ट्रांसपोर्टेशन में, भाई अगर सस्ता ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे ना, तो एक जगह की जगह आप कई जगह बार बार जा सकते हो, मतलब घूम सकते हो। नहीं तो भाई ऐसा है, एक जगह चल जाओ वीक में 150 रुपये और ओला दे के, और एक ही जगह घूम सकते हो। सस्ते में क्या होता है भाई, ज़्यादा जगह जा सकते हो आप, सीधे कहने का मतलब ये पैसे, अल्टीमेटली गोल यही होता है कि पैसे बच जाते हैं उससे। और बस देखो अभी जैसे आए थे ना हम लोग, तो यहाँ से बस ये है कि ये वाले जो टैक्सी ऑटो रहते हैं ना, ये लैंडमार्क प्लेस टू लैंडमार्क प्लेस ही चलते हैं, अंदर गलियों वलियों में नहीं जाते। जैसे अभी हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग वहाँ से बैठे थे, वॉक करके आए थोड़ा सा नीचे वहाँ फोर्ट से, फिर उसके बाद वहाँ से हमने ऑटो लिया था बस स्टैंड तक का, फिर बस स्टैंड से हमें एक चेंज करना पड़ा ऑटो, फिर बस स्टैंड से हम लोग 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक आए, और 6 नंबर प्लेटफॉर्म से फिर वो एक अलग रास्ता है ब्रिज है वहाँ बाहर से, तो 1 नंबर पर क्रॉस कर लिया, और 1 नंबर से हम फिर वॉक करके आ गए थे। ऐसा मतलब टुकड़े टुकड़े में जाते हैं ना, तो मस्त सस्ता पड़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, तो ज़्यादा जगह घूम पाते हैं अल्टीमेटली। बस ये है, थोड़ी सी बारिश वारिश हो गई थी, बाकी भाई रात का व्यू देख के तो मज़ा आ गया, वर्थ है। पहले हम रिग्रेट कर रहे थे, कह रहे यार बारिश वारिश हो गई तो कहाँ आ गए, बट फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो नाइट वाला व्यू था ना 1 नंबर था वो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।